नहीं समीर, हमारा शरई कानून कहता है हलाला के बगैर हीना से तुम्हारा निकाह अब मुमकिन ही नहीं, और तुम्हारे निकाह में आने से पहले इद्दत की मियाद गुजारना भी उसके लिए जरूरी है। ये किस आजमाइश में लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने मुझे, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ खाला जान, कैसे? ये सजा है तुम्हारे लिए और हर उस मर्द के लिए जो अपनी बीवी को तलाक देते हैं ताकि तलाक देने से पहले वो हजार बार सोचे, इसे कोई खेल न समझे। और ये खेल हो भी कैसे सकता है, मर्द के तलाक देने से अरशे मौला भी लरज उठता है। मर्द अगर ये सोचे कि अपनी जिस बीवी को वो तलाक देने जा रहा है कल को अगर उसी को पाना हुआ तो उसे भी किस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, इस ख्याल के आते ही वो काम उठेगा समीर और अपनी बीवी को तलाक देने से बाज आएगा, और तब उस बीवी की जिंदगी जहन्नुम बनने से बच जाएगी जिस तरह हीना की जिंदगी तुमने बना रखी थी। कल को हीना को तुमने हासिल कर भी लिया तब भी सारी जिंदगी तुम अपने पछतावे के आग में जलती रहोगे कि कभी तुम्हारी बीवी हीना अक्रम के साथ। मैं और नहीं सुन सकता खाला जान, बस। तो क्या हीना को पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे? खाला जान, मैं हीना से बहुत प्यार करता हूँ खाला जान, बहुत प्यार करता हूँ हीना से। समीर, मैं तो कहूंगी कि हीना के लिए तुम्हारी दीवानगी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हीना के जिस्म से प्यार करना खुदगर्जी होगी। बेटी, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये दो जिस्मों का मिलन नहीं, ये दो दिलों के मिलन का भी नाम है। अब्बू, आपकी बैग। अब्बू, आज आप कुछ भूल नहीं रहे? क्या भूल गए मैं? ना तो आपने मुझसे खुदा हाफिज कहा, नहीं दुआएं दी। ओ, खुदा हाफिज, अल्लाह खुश रखे। अब्बू, अब्बू क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। बात तो कुछ जरूर है अबू, बताइए ना मुझे, मुझे कोई गलती हो गई, कोई नाराजगी है मुझसे? बेटी, बात यह है, समीर का इस घर में आना जाना शायद लोगों के लिए बहस का मौजू ना बन जाए। माना कि वो अकरम का दोस्त है, अब बेटे सच्चाई क्या है वो तुम्हें जानता ही हो, लेकिन दुनिया वालों के मुंह कैसे बंद करवाएंगे, किस किस को समझाते फिरेंगे कि जो आप लोग सोच रहे हो वो गलत है और हकीकत दरअसल ये है। खुदा हाफिज। ये अब्बू का शक था या उनका मशवरा? मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हमारे 5-स्टार होटल में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? ओके सर। और हाँ, हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, उनसे कहना कि हमारी सैनिटरी फिटिंग्स ए ग्रेड की ही होनी चाहिए। अगर उन्हें माल सप्लाई करने में 1 हफ्ता लगता है, फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ए ग्रेड की फिटिंग चाहिए। हेलो, हे समीर, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे हाँ समीर, तेरा एक दोस्त है ना जिसका सैनिटरी वेयर का बिजनेस है? हाँ है। तो सुनो, तुम ऐसा करो, समीर साहब के साथ जाओ, और अगर इनका आदमी हमारे सप्लायर से पहले हमें डिलीवरी देता है तो ऑर्डर प्लेस कर दो। सॉरी यार, तुझे थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। नॉट एट ऑल यार। तो चले सर, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके सर। अकरम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। बोला क्या बात है? एक्सक्यूज मी।
या हेलो सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, बड़े दिनों बाद फोन किया आपने। जी मैं खैरियत से हूँ। जी हाँ अबू भी ठीक है। कौन हीना? वो भी अच्छी है। जी हाँ मजे में है और खुश है। नहीं नहीं सिद्दीकी साहब, मुझे याद है आपने दावत के लिए बुलाया था, लेकिन बात कुछ ऐसी है सिद्दीकी साहब की, वो दरअसल हमारे घर में मौत हो गई है जीनत की, इसलिए इन दिनों कहीं बाहर जाकर दावत में एंजॉय करना, आई जस्ट डोंट फील अप टू इट। आप बुरा मत मानिए। थैंक यू। और सुनाइए भाभी जान कैसी हैं? मेरा सलाम कहिएगा उन्हें। ओके खुदा हाफिज। हाँ बोल सम। क्या हो जाता है इसे भी। आप नहीं चाहती कि हीना फिर से मेरी जिंदगी में आए? हीना से तुम्हारा निकाह दोबारा तभी हो सकता है जब हीना और बस कीजिए। या चांद शाह वली बाबा, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे दिली सुकून मिले। चावल चुने जा रहे हैं, इसका मतलब बिरयानी की तैयारी हो रही है। गुल्ला तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो। मुझसे नाराज हो क्या गुल्लार? नहीं तो किसने कहा आपसे? तुम कितना भी बात को छुपाओ मगर तुम्हारा चेहरा ही कुछ ऐसा है, नाराजगी का पता फौरन चल ही जाता है। गुल्लार मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह जानती हूँ, लेकिन उसमें बुराई क्या है? समीर और हीना को एक करके क्या गलत कर रही हूं मैं?
मैंने तो समीर को साफ साफ कह दिया, अगर वो हीना को पाना चाहता है तो हीना और अकरम को एक करने की कोशिश खुद उसे करनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। काफी देर तक मैंने उसे समझाया, यहां तक कि उसकी गलती का एहसास भी दिलाया। देखना गुलनार, अगर अल्लाह ने चाहा तो समीर को हीना मिल ही जाएगी। आपा, आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं और क्या करने जा रही हैं? एक शादीशुदा लड़की के घर को तबाह करके आप अपने नाकारा भांजे की खुशी हासिल करना चाह रही हैं। एक जुल्म समीर ने हीना पर ढाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। समझ कर रखा है आपने हीना को, वो खिलौना है क्या? देखिए देखिए, आप नाराज मत होइए, डॉक्टर ने आपको ऊंची आवाज में बात करने से मना किया है। खुदा के लिए आप खामोश हो जाइए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आपा, बहुत इज्जत थी आपके लिए मेरे दिल, लेकिन ये बात कहकर आपने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि आप क्या चाहती हैं, दिल तोड़ दिया मेरा आपने। आप समझते क्यों नहीं, डॉक्टर ने आप मुझे कहने दीजिए बेगम, बड़ी मुश्किलों से इस घर में अमन और चैन लौट रहे हैं आपा। अगर आप हमारी सच्ची हमदर्द हैं, अगर आप इस घर का भला चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि हम सुकून और इत्मीनान से रहें, तो खुदा के वास्ते यहां से चली जाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको यहां रहने की, मैं आज ही आपके टिकट का इंतजाम करता हूं, आप अपना सामान बांध लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं है, आप आज समझ गई होंगी कि मैं क्या चाहता हूं और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं। आ गए आप? इन्हें एक कप चाय पिला दो प्लीज। आप ठीक तो हैं? काफी दिनों के बाद ऑफिस गया ना आज, बहुत काम था, थकान से महसूस करने लगा इसलिए घर चला आया। मुझे आपसे पूछना है, आपको मुझ पर कोई शुबा या शक तो नहीं है ना? शक? कैसा शक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ये तो नहीं समझते ना कि मैं आपको नहीं चाहती हूं? हीना देखो, एक मिनट, एक एक करके सवाल पूछो। अभी मैं तुम्हारा पहला सवाल भी ठीक से समझ नहीं पाया, तुमने दूसरे सवाल पूछ लिया। बात क्या है हा? तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, वो भी अचानक आज? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? ना देखो, जब तक तुम उससे कुछ कहोगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या सोच रही हो? तुमने ऐसे सवाल पूछे क्यों मुझसे? बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे अफसोस है इस बात का कि आपने मेरे जज्बात को नहीं समझा, लेकिन जाते जाते इतना जरूर पूछूंगी, क्या आपने समीर की खुशियों के बारे में सोचना गुनाह है? गुनाह समीर की खुशियों के बारे में सोचना नहीं, गुनाह वो है जो आप करने जा रही थी। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हिना को अकरम से जुदा कराकर उसकी शादी समीर के साथ करा दी जाए।
कल को ये बात अकरम को पता चलेगी तो कितनी तकलीफ होगी उसे, क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। काश जितनी फिक्र आपने समीर की है उतनी ही समीर ने की होती फिक्र हिना की, हमारी और आपकी, तो आज ये दिन देखा नहीं पड़ता है। दरमिया जी, आपा को स्टेशन छोड़कर आओ। जरूरत नहीं, मैं अकेली नहीं गुलनार भी साथ जा रही है। गुलनार आपके साथ जा रही है? लेकिन उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। गुलनार, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं जा रही हूं। लेकिन अचानक आपने जाने का फैसला किया कैसे? ये फैसला मैंने उस वक्त किया जिस वक्त आपने आपा को इस घर से निकल जाने के लिए कहा था। तो आप क्या समझती हैं, मैंने गलत किया था कि? बात कुछ भी हो मगर मैं आपा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप क्या चाहती हैं, मैं आपा से माफी मांगू? ये मुझसे नहीं होगा, मैं गलत नहीं हूँ और माफी मांगने की गलती नहीं करूँ। तो आपा ने भी कोई गलती नहीं की, हमारे समीर का भलाई तो सोचा है। कब समझेंगी कि हमारा फर्ज सिर्फ समीर की भलाई सोचने में नहीं है? हिना हमारी बहू नहीं रही तो क्या हुआ, इंसानियत के नाते उसकी भलाई सोचना भी हमारा फर्ज है। ये क्यों भूल जाती है कि आपने उसे बेटी माना है और अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने वाली की आप हिमायत कर रही हैं? जिसे बेटी माना उसी की फिक्र है आपको, और जो आपका अपना बेटा है उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे नजरे के इस एतलाफ से मेरा सुकून गारत हो गया है। मैं अब तभी लौटूंगी जब आपको अपनों की परवाह होगी। चलिए आपा। खुदा हाफिज फैजान भाई, मैं भी तब भी लौटूंगी जब समीर के सर पर सहरा बंधेगा। अकरम बोल रहा हूँ। हाँ अकरम, बोलो बेटा। क्या बात है अंकल, आपकी आवाज, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलो कैसे फोन किया। अंकल समीर है घर में? समीर तो नहीं है बेटा, वो तो ऑफिस गया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज बेटा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? क्या आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? हिना, मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं। एक तरफ तो समीर अजीब हरकतें कर रहा है और दूसरी तरफ तुम हो कि आपकी क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। हिना प्लीज, मुझे अपनी परेशानियां दूर करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझी? समझती हूँ कि आपसे ये अभी कहना बहुत जरूरी है वरना कल बहुत देर हो सकती है। कहो क्या बात है। देखिए आप हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके यहाँ बार बार आने से कल दुनिया बातें बनाना शुरू कर दे और ये सुनकर अकरम और उनके वालिद साहब को कोई भी तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं चाहती, वरना ही ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, मेहरबानी करके आज के बाद आप यहाँ ना आए तो बेहतर होगा।